हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ फिश फ्राई, जो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बन के तैयार होगा। साथ ही ये बहुत जल्दी से भी बन जाता है, तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ आपके पसंद का कोई भी मछली ले लीजिए और उसे अच्छी तरह से धुल के साफ़ कर लीजिए। पानी में नींबू और हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह से धुल के साफ़ कर लीजिए, जिससे कि मछली का जो स्मेल होता है ना, वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो जिससे हम मसाले तैयार करेंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने लिया है अदरक का टुकड़ा लिया है, लहसुन लिया है तकरीबन 2 गांठ लहसुन है, हरी मिर्च हमने लिया है 6 से 7 हरी मिर्च है, और 1 भरवा मिर्च लिया है, अचार है भरवा मिर्च, और साथ ही हमने खड़ा मसाला लिया है तो 2 चम्मच पीला वाला सरसों है, और 2 चम्मच जीरा है, और 2 चम्मच साबुत धनिया है, थोड़ा सा हमने काली मिर्च लिया है। तो यहाँ पे जो सरसों हमने लिया है पीला वाला लिया है, आप काला सरसों का भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे। तो अब ले लेते हैं इन सभी चीज़ों को और पीस लेंगे। मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार ही डालिए इसमें, और जितने फिश हैं आप उसी हिसाब से आप मसाले तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से आप मसाले तैयार करेंगे तो फिश बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। आप चाहे तो उसे मसालों में लपेट के आप फ्राई करके तैयार करिए, या फिर ग्रेवी के साथ तैयार करिए। इस पेस्ट से जो हम मसाले का पेस्ट तैयार करेंगे उससे ये मछली बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। तो अब ले लेते हैं सभी चीज़ों को ग्राइंडर जार में, और इसे हम बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं पीस के। अब डाल लेते हैं इसमें थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसे हमें बारीक पीस कर तैयार कर लेना है। तो पेस्ट तैयार करने के बाद हम इसे किसी बाउल में ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से हमने पीस लिया है इसे, और बाकी जार में लगे हुए मसालों को भी हम पानी के साथ थोड़ा डाल के निकाल लेंगे। और अब इसमें ले लेते हैं, इसमें ले लेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच आप हल्दी पाउडर इसमें डाल लीजिए। और अब डाल लेते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे। साथ ही हम डाल लेते हैं इसमें अमचूर पाउडर, तो आप अमचूर पाउडर ज़रूर इसमें डालिए। और हमने अभी डाला है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है ये, और अब डाल रही हूँ अमचूर पाउडर 2 चम्मच लगभग। तो मछली में थोड़ा सा अमचूर पाउडर आप डालिए तो अच्छा लगता है, मसाले का टेस्ट और बढ़ जाता है खट्टा होने से। तो इस तरह से हमने 2 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम चलेंगे फिश फ्राई करेंगे, यानी कि मसालों में लपेट कर हमें इसे फ्राई करना है। तो मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं, और अब क्या करते हैं फिश को लेते हैं और उसमें इसे डीप करके और हमें इसे तलना है। तो इस तरह से आप एक साथ सारे फिश को लगा के मसाले तैयार करके ले सकते हैं, या फिर थोड़े थोड़े लगा के आप तल सकते हो, जैसी आपको आसानी हो आप उसी हिसाब से इसे कर लीजिए। तो हमने गैस ऑन करके पैन रख लिया है, और हम इसमें सरसों ऑयल डाल रहे हैं। सरसों के ऑयल में ही आप बनाइए फिश को तो ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इस तरह से हमने सरसों ऑयल ले लिया है, और पैन को अच्छी तरह से हम गर्म कर लेते हैं। तेल भी गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से, धुआँ जब निकलने लगेगा तब हम इसमें फिश को फ्राई करेंगे। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें हम फिश के पीसों को हम डालेंगे मसाले लगाकर इस तरह से, और इस तरह से हमें पैन में या कढ़ाई में जिसमें भी आप फिश फ्राई कर रहे हो आप उसी हिसाब से इसमें इसे तल लीजिए अच्छी तरह से। दोनों तरफ से हमें इसे सेक के तैयार कर लेना है। तो पैन में उतना ही हम डालेंगे जितना कि अच्छी तरह से पैन में हमारे फिश के पीसे आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो टूट जाता है। तो इसलिए हमें सिर्फ उतना ही पीसे डालना है जो आसानी से इसे हम अच्छी तरह से उलट पुलट सकें। और इसे हम कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, और अच्छी तरह से इसे हम पकने देंगे। 3 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं और दूसरी तरफ इसे उलट देते हैं, और इस तरह से हमें लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह से मछली अंदर तक ये गल जाए, पक जाए, कच्चा ना रह जाए। तो इसलिए हमें उलटते पुलटते हुए दोनों साइड से इसे हमें भूनना है। तो इसे हमने फिर से एक बार ढक दिया है, 2 मिनट के लिए बाद हम इसे खोल के चेक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फिश अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है, दोनों तरफ से बढ़िया से सिक चुका है, बढ़िया से लाल हो चुका है, और अंदर तक ये
बढ़िया से पक भी गया है। तो इस तरह से उलाटते पुलाटते हुए हमें फिश को तल लेना है। और थोड़ा सा मुझे लगता है ये अभी दो पीसे इसमें नहीं हुआ है, तो इसलिए फिर से हम इसे ढक देते हैं कुछ मिनट के लिए। और कुछ मिनट के बाद हम इसे फिर से चेक कर लेंगे, जब अच्छी तरह से फिश बढ़िया से हो जाए, सभी पीसे इसके बढ़िया गल जाएंगे, तभी हम इसको निकाल लेते हैं, यानी किसी प्लेट में हम सर्व कर लेंगे। तो हमारी फिश फ्राई हो चुके हैं और इस तरह से हमने इसे एक प्लेट में सर्व कर लेना है। और साथ में हमने इसे प्याज, हरी मिर्च और नींबू के साथ इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से फ्राई करिए मसाले तैयार कर, आपको फिश ज़रूर पसंद आएगा इस तरह से फ्राई किया हुआ। और आप चाहे तो इसे ग्रेवी में भी बना सकते हैं इसी तरह से, इसी मसाले के साथ तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। थोड़ा सा ऊपर से धनिया की पत्ती से हम गार्निश कर देते हैं और बस इस तरह से बना के आप इसे तैयार कर सकते हो, बहुत ही इजी बन के तैयार हो जाता है और मसाले बहुत ही टेस्टी होते हैं इसके। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।